हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिनी क्रश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करने वाले पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। और आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। जैसे कि हम जानते हैं कि आज़ादी से पहले जो ब्रिटिश भारत था दो भागों में डिवाइडेड था, एक ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस, दूसरा प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडिया जो प्रोविंस थे उन्हें उन जगहों को कहा जाता था, उन राज्यों को कहा जाता था जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो पूरी तरह से डायरेक्ट वे में शासन कर रहे थे, यानी कि अपना शासन पूरी तरह से जमा लिया था और सीधे रूप से अपनी सरकार चला रहे थे। प्रिंसली स्टेट उन स्टेट को कहा गया कि जहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल तो कर रहे थे पर वो इनडायरेक्ट वे में कर रहे थे, वहाँ पे डायरेक्ट शासन था वहाँ के प्रिंस या राजाओं का था। और उन राजाओं ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया था, जिसे पैरामाउंटेंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन कहा गया। इस तरह से देश में शासन व्यवस्था चल रही थी। लेकिन आज़ादी से कुछ साल पहले ही, कुछ टाइम पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि अब जो ब्रिटिश शासन खत्म हो चुका है और जितने भी ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस है या प्रिंसली स्टेट है वो पूरी तरह से आज़ाद हो चुके, इंडिपेंडेंट हो चुके, उनका रूल खत्म हो गया है। और उस टाइम पर लगभग 565 जो स्टेट थे वो लीगली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। इसीलिए प्रिंसली स्टेट है वो भी अब लीगली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। पैरामाउंटेंसी ऑफ जो सुप्रीम है वो ब्रिटिश का वो खत्म हो चुका है। इसीलिए प्रिंसेस स्टेट है, अगर चाहे तो वो इंडिया के साथ मर्ज हो सकते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हैं, या अगर वो चाहे तो अपना अस्तित्व स्वतंत्र भी रख सकते हैं और इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में अपना वो स्वतंत्र बनाए रख सकते हैं। ये जो डिक्लेरेशन थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली थी, क्योंकि एक तो आज़ादी के बाद वैसे ही भारत के दो टुकड़े हो गए थे इंडिया और पाकिस्तान के रूप में, लेकिन इस तरह के डिक्लेरेशन के बाद बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट थे वो किसी के साथ मर्ज ना होकर एक इंडिपेंडेंट देश का सपना देख रहे थे। तो ऐसे में क्या भारत के और न जाने कितने टुकड़े होने की पूरी तरह की संभावना थी? और जो अब हमने एक सपना देखा था अखंड भारत का, कि भारत आपस में यूनाइट रहेगा, अलग अलग धर्म जाति लोग के लोग साथ मिलकर रहेंगे, डेमोक्रेटिक फॉर्म से देश को चलाया जाएगा, तो वो सपना ऑलमोस्ट टूटते हुए दिख रहा था ब्रिटिश सरकार के इस तरह के डिक्लेरेशन के। क्योंकि इस तरह के डिक्लेरेशन के बाद बहुत सारे स्टेट ने डिक्लेयर कर दिया खुले रूप से कि वो अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व चाहते हैं और इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में अपनी शासन व्यवस्था को चलाएंगे। और ज़्यादातर जो राजा थे वो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाना चाहते थे, जहाँ पर जनता को अधिकार देना नहीं चाहते थे। तो ये जो समस्या थी बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि भारत इस तरह से न जाने और कितने टुकड़ों में बट जाता और भारत का जो अपना अस्तित्व है पूरी तरह से ख़त्म हो जाता। लेकिन जो वहाँ पे जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो इस बात से काफ़ी नाराज़ थी, वो इस किसी भी कीमत पर भारत के इस तरह टुकड़े देखना नहीं चाहती थी। लेकिन जो इसके ऑपोजिट मुस्लिम लीग थे उन्होंने कहा था कि प्रिंसली स्टेट को पूरा अधिकार है, वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और किसी भी तरह के उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं किया जाए। आपको पता होगा कि आज़ादी के बाद हमारे देश में जो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर उस टाइम के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया, इस प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने में उनका जो रोल है वो बहुत ही हिस्टोरिकल रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि उन्होंने ही अपनी स्किल, अपनी बुद्धि, अपने नेगोशिएशन मेथड से प्रिंसली स्टेट को आपस में इंटीग्रेट किया, आपस में जोड़ा, वरना अगर अब वो इस तरह से काम ना करते तो ना जाने आज भारत के कितने और टुकड़े हो गए होते। क्योंकि इस टाइम पे प्रिंसली स्टेट को जोड़ने के लिए, उसको कन्वेंस वहाँ पे के जो राजा उनको कन्वेंस करने के लिए किसी एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो उनको नेगोशिएट कर सके, उनको कन्वेंस कर सके और बड़े पीसफुल तरीके से उनको अपने साथ मिला सके। इसके लिए भारत में कुछ स्टेट को जोड़ना बहुत आसान था, क्योंकि कुछ जो प्रिंसली स्टेट थे वो वहाँ के जो जनता थी क्लियर रूप से भारत से मिलना चाहती थी और उनको जोड़ने में आसानी हुई, उनके ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। दूसरा, जो भारतीय गवर्नमेंट थी उन्होंने भी अपने रूल को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया और उन्होंने इस शर्तों के साथ कि अगर प्रिंसली स्टेट भारत से इंटीग्रेट होंगे तो जो उनकी इंटरनल ऑटोनॉमी नहीं है, जो उनकी जो आंतरिक स्वायत्तता है, भारत सरकार इस बात का काफ़ी ध्यान रखेगी और जो प्लुरैलिटी फॉर्म है यानी कि उनके अपनी आज़ादी देगी, अपनी उनकी जो एक इंडिपेंडेंसी है वो उनकी बनी रहेगी। भारत सरकार इस शर्तों के साथ बहुत सारे प्रिंसली स्टेट आपस में मिला रहे थे। लगभग आज़ादी से कुछ टाइम पहले तक भारतीय सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मदद से ऑलमोस्ट जितने प्रिंसली स्टेट थे उनको अपने साथ नेगोशिएट करने, अपने साथ मिलाने में काफ़ी हद तक सक्षम रहे और उन्होंने आपस में सभी को मिला लिया था। जितने भी प्रिंसली स्टेट के राजा थे उन्होंने भारत सरकार के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, जिसका मतलब है कि वो अपनी मर्जी से भारत सरकार से विलय कर रहे हैं, अपने भारत सरकार के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन चार स्टेट को जोड़ना
ये बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद सरदार पटेल जी को करनी पड़ी, क्योंकि इनको मिलाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। इनको मिलाना इतना आसान काम नहीं था जितना कि सुनने में हमें लगता है। तो वो चार कौन कौन से प्रिंसली स्टेट थे जिनके लिए हमें इतनी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी, जिसमें थे जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर और कश्मीर। तो कश्मीर की जो हम बात करेंगे डिटेल में कि किस तरह से कश्मीर को भारत में इंटीग्रेट किया गया, वो हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हम जूनागढ़, हैदराबाद और मणिपुर की इंटीग्रेशन की कहानी को डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे। तो जूनागढ़ में जो आम जनता थी वो भारत सरकार से मिलने के लिए तैयार थी, क्लियरली भारत सरकार से जुड़ना चाहती थी, भारत के देश में जुड़ना चाहती थी। इसीलिए इसी शर्त में भारत के वहाँ की सरकार जो शासक थे उन्होंने भारत के साथ विलय की नीति को अपना लिया। चलिए आगे हम बात करते हैं हैदराबाद की। आपको पता होगा जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, सबसे बड़ा जो प्रिंसली स्टेट था वो हैदराबाद था। उसके जितने भी पूरे एंटायर आउटसाइड जो थे वो भारत था, यानी कि जितने भी राज्य रजवाड़े थे सारे भारत से मिल चुके थे, यानी कि बीच में एक हैदराबाद अलग से स्टेट रह गया था और बाकी जितने भी स्टेट थे सभी भारत के साथ विलय कर चुके थे। और जो वहाँ का जो रूलर होता था जिसे निज़ाम का टाइटल दिया गया, वो विश्व का सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन होता था, क्योंकि बहुत ही अमीर राज्य था। और निज़ाम ने डिक्लेयर किया था कि वो एक इंडिपेंडेंट देश चाहता है, वो किसी भी सरकार के साथ, भारत ना तो पाकिस्तान के साथ विलय करना चाहता है। लेकिन भारत सरकार चाहती थी कि और पूरे ऑल ओवर साइड में इंडिया, बीच में एक अलग से देश, ये संभव नहीं है। और देश की शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाएगी, इसीलिए लगातार वो निज़ाम से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे निगोशिएशन बनाए रखे थे। और इसी बीच उनके बीच में नवंबर 1948 में उनके बीच एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहा गया, कि इस एग्रीमेंट के तहत एक साल तक भारत की सरकार वहाँ के निज़ाम से लगातार बातचीत कर रही थी, उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच वहाँ के लोगों के बीच में वहाँ के निज़ाम के ऑप्रेसिव रूल के कारण एक आंदोलन चल पड़ा। इस आंदोलन में जो तेलंगाना रीजन के जो किसान थे, वुमेंस थी, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी, क्योंकि उन निज़ाम के राज्य में जो वुमेन की जो स्टेटस थी बहुत ख़राब थी, काफ़ी अत्याचार भरा था हिंदू औरतों के साथ। और इस आंदोलन का जो सबसे जो नर्व सेंटर था वो हैदराबाद टाउन था, और इस मूवमेंट को जो फोर फ्रंट पे थे वहाँ के कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस के थे। धीरे धीरे सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे थे, और निज़ाम ने अपने जो पैरामाउंटरी फोर्स होते हैं जिसे वहाँ पर रज़ाकार के नाम से जाना जाता, वो अपने अत्याचार के लिए ही पॉपुलर थे। और उनके आने के बाद वहाँ पे वुमेन के साथ बड़ी बदसलूकी की गई, लोगों को लूटा गया, बड़ी दिन दहाड़े हिंसा की गई, सिचुएशन बद से बदतर होते जा रहे थे। इसीलिए केंद्र सरकार ने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया वहाँ पे जाने को कहा, ताकि सिचुएशन को नॉर्मलाइज कैसे कंट्रोल कर सके। इसीलिए सेप्टेम्बर 49 में वहाँ की मिलिट्री वहाँ पे गई। काफ़ी दिनों तक जो निज़ाम के मिलिट्री और केंद्र सरकार की मिलिट्री के बीच में फाइट चलता रहा, और अल्टीमेटली निज़ाम को सरेंडर करना पड़ा। इस तरह से हैदराबाद को भारत के साथ विलय किया गया, यानी कि हैदराबाद को भारत से मिलाने में काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी तकलीफ़ों, काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन किसी भी कीमत पर भारत सरकार उसको अपने साथ जोड़ना चाहती थी, क्योंकि भारत के और ज़्यादा टुकड़े संभव नहीं था, क्योंकि भारत शक्तिहीन हो जाता और एक ही देश में न जाने कितने देश आपको देखने को मिलता। तो ये तो हैदराबाद की इंटीग्रेशन कहानी। आगे हम बताते हैं कि मणिपुर को भी मिलाना इतना आसान काम नहीं था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, भारत की सरकार ने बहुत पीसफुल ढंग से भी, काफ़ी नेगोशिएशन करके, काफ़ी डिप्लोमेटिक तरीके से उनको भी अपने साथ इंटीग्रेट किया। तो आज़ादी से कुछ टाइम पहले ही वहाँ के जो महाराजा थे, मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह, उन्होंने भारत के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इस शर्त पे कि उनके जो इंटरनल ऑटोनोमी नहीं वो उनकी बनी रहेगी। लेकिन वहाँ पे जनता थी वो क्या चाहती थी, वो एक इलेक्शन चाहती थी, और इसीलिए जून 1948 में वहाँ पे इलेक्शन हुए और मणिपुर पहला मोनार्की स्टेट बन गया। और वहाँ पे भारत के, पूरे भारत में पहला वो स्टेट था जहाँ पे फ्रेंचाइज एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वहाँ पे चला गया, जिसको हिंदी में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं, जिसमें जाति धर्म के बिना विभिन्नताओं के, बिना किसी असमानता के सबको वोट देने का अधिकार होता है। लेकिन वहाँ पे जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली के नेता थे उनके भारत को विलय के लेके अपने अलग अलग पक्ष थे। कुछ नेता भारत के साथ जुड़ने के पक्ष में थे तो कुछ नेता इसके ऑपोजिट, वो एक इंडिपेंडेंट अपना देश चाहते थे मणिपुर के रूप में। वहाँ पे जो कांग्रेस थे, वहाँ पे जो स्टेट कांग्रेस थे, वो भारत सरकार से विलय चाहते थे, भारत सरकार से जुड़ना चाहते थे।
इसी बीच भारत सरकार जो वहाँ के महाराजा से काफ़ी टाइम से निगोशिएट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और फाइनली 1949 सितंबर को उन्होंने क्या करा कि भारत सरकार के साथ एक मर्जर एग्रीमेंट साइन कर लिया। लेकिन वहाँ के महाराजा ने इस एग्रीमेंट को साइन करने से पहले वहाँ के जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स ऑफ मेंबर हैं उनसे किसी तरह की कोई बातचीत नहीं, कोई विचार विमर्श नहीं किया, कोई उन्होंने उनसे कोई राय मशवरा नहीं किया, जिसके कारण वहाँ के लोग काफ़ी गुस्से में हो गए, काफ़ी नाराज़ हो गए, रोष फैल गया। और भारत में मिलने के बाद भी ये नाराज़गी काफ़ी टाइम तक देखने को मिली, लेकिन बाद में धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मलाइज़ किया गया और इस तरह से मणिपुर को भारत के साथ इंटीग्रेट किया गया, जोड़ा गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि कितने मुश्किलों से प्रिंसली स्टेट को एक एक करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने डिप्लोमेटिक, अपने स्किल से, अपने आप को मतलब कन्विंसिंग पावर से जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उनको आपस में मिलाए। लेकिन कश्मीर के सामने क्या समस्या आई, क्या दिक्कत आए, इसके बारे में हम डिटेल स्टोरी अपनी दूसरी वीडियो में देखेंगे। यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आगे आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी दूसरी वीडियो को जाके क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।